नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम KVS TADA रूल्स के रिगार्डिंग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि KVS के प्रत्येक एम्प्लॉई को फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, और ये ट्रैवलिंग ऑफिशियल पर्पज से होती है। मे बी ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो होती रहती है उसके रिगार्डिंग हो, वर्कशॉप के रिगार्डिंग हो, इसके अलावा जो है मीटिंग्स होती है, स्कॉट ड्यूटीज़ होती हैं, तो आपकी को TADA एक्सपेंसेस के लिए क्लेम करना पड़ता है, और ये सभी के लिए होता है। तो मेरे इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसे आप जान पाएंगे कि लेटेस्ट TADA रूल्स के और 7 CPC के अनुसार क्या क्लेम बनेगा और कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी लें। स्पेशली जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, वैसे तो ये सभी के लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ एक लाइक कर दें और शेयर कर दें, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है, और ये 2017 का है जो कि अभी फॉलो हो रहा है, और ये 7th Pay Commission के अनुसार है। 7th Central Pay Commission आप इसको भी यहाँ देख सकते हैं। और ये रूल्स जो होती हैं ये आपके लेवल्स के हिसाब से होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 7th Pay Commission में ग्रेड पे को लेवल में चेंज कर दिया गया है। जैसे कि लेवल 6 जो होता है PRT का होता है, और TG का जो लेवल होता है वो 7 होता है, और PGT का जो होता है वो 8 होता है, और जो LDC UDC होते हैं वो लेसन 4 और 5 में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैवल इनटाइटलमेंट्स विद इन द कंट्री, यानी कि आप कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या क्लेम्स आपके बनते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि लेवल के अकॉर्डिंग होता है, तो अबव 14 लेवल है, 14 से ऊपर जाता है तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि उन्हें बिजनेस क्लास बाय एयर वो क्लेम कर सकते हैं, और एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन में बाय ट्रेन एसी फर्स्ट क्लास का। आपका जो लेवल जैसा कि मैंने बताया कि PRT TGT PGT 6 to 8 में आते हैं, तो ये वाला आप देख रहे हैं इसमें आप आ जाएंगे। तो इसमें आप बाय एयर इकोनॉमी क्लास, आप बाय फ्लाइट ट्रैवल करते हैं तो इकोनॉमी क्लास के लिए आप इंटाइटल्ड होते हैं, और यदि ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो 2nd Class AC के लिए जो है आप इंटाइटल्ड हैं। उसके नीचे आप जैसा देख रहे हैं कि UDC और LDC जो होते हैं 5 and the below वो फर्स्ट क्लास AC और 3rd Class AC और चेयर कार के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, एयर ट्रैवलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और ये नया अपडेशन हुआ है कि अभी सरकार ने जो है, पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था, अब हो गया है। यदि तत्काल बुकिंग करते हैं, प्रीमियम तत्काल बुकिंग आप करते हैं तो उसका भी पेमेंट आप क्लेम कर सकते हैं। लाइक आप राजधानी, दुरंतो, शताब्दी और सुविधा जैसी ट्रेनों में तत्काल बुकिंग के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये देखिए, रिवाइज ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स आर सब्जेक्ट टू फॉलो। तो पहला ये हमें बताता है कि यदि कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी कनेक्टिविटी जो है बाय ट्रेन नहीं है, आप वहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं है, तो आप वहाँ बाय एसी बस ट्रैवल कर सकते हैं, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए आप इंटाइटल्ड हैं। यानी कि डिलक्स बस का आपको पेमेंट वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरा ये है कि आप जो है ट्रैवल वहाँ पे कनेक्टिविटी है ट्रैवल की, ट्रेन की कनेक्टिविटी वहाँ पर है, लेकिन आप बाय रोड वहाँ ट्रैवल करते हैं, आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं और कनेक्टिविटी वहाँ रेल की है, ट्रेन की है, तो उस केस में आपको रोड का पेमेंट नहीं मिलेगा। जो बाय ट्रेन आपकी जो इंटाइटलमेंट्स हैं, क्लेम है, वही रिम्बर्स होगा, आपको बाय रोड का नहीं मिलेगा। और एक और है डी, जिसमें कि आप
रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, आप जिस भी ट्रेन में करना चाहते हैं उसमें जिसके लिए आप इंटाइटल्ड हैं उसमें नहीं मिल पाता है, तो उसके बिलो लाइक आप सेकंड क्लास एसी के लिए एलिजिबल हैं और उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उसके बिलो आप यदि एसी थर्ड में कराते हैं तो उसको आपको मिल जाएगा, और लेकिन आप एसी फर्स्ट क्लास में कराते हैं तो उसका रिम्बर्समेंट आपको नहीं मिलेगा। ये सभी पर लागू होता है कि आप जो इंटाइटल्ड हैं उतना तक तो मिलेगा, उसके नीचे कराते हैं तो भी रिम्बर्स हो जाएगा लेकिन उसके अपर में नहीं होगा। ये है इंटाइटलमेंट फॉर जर्नी बाय सी और बाय द रिवर। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो आप यदि स्टीमर से या क्रूज से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस केस में 6 to 8 वाले लेवल वाले लोग लोअर क्लास के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। देर इफ़ देयर बी 2 क्लासेस ओनली ऑन द स्टीमर, स्टीमर पर जैसा कि 2 ही क्लास होते हैं। और आगे देखते हैं कि आप यदि जैसे अंडमान निकोबार में हो और वहाँ पे और किसी भी चीज़ की कनेक्टिविटी नहीं है या वहाँ ट्रैवल आप जो है क्रूज़ के द्वारा शिप के द्वारा ही कर सकते हो, तो वहाँ के लिए ये है कि 6 to 8 लेवल वाले लोग फर्स्ट ए केबिन क्लास के लिए टाइटल्ड हो सकते हैं, उसके लिए जो है वो पेबल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है ये आप बाय रोड ट्रैवलिंग करते हैं, बाय रोड ट्रैवलिंग करते हैं है, जैसा कि आप देख रहे हो ये 6 to 13 यानी कि TGT, PRTA और PGT के लिए है। तो इसमें जो है आपको अलाउ क्या है, बस एसी बस तक आपको अलाउ है, लेकिन ये बस प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बस होनी चाहिए, तो उसका पूरा फेयर आपको जो है रिम्बर्स हो जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो भी ट्रैवल करें आप बाय गवर्नमेंट बस करें। ये LDC UDC के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन अंतर क्या है, इनको जो है AC बस अलाउ नहीं है, नॉर्मल बस में ये गवर्नमेंट ऑथराइज बस में ये ट्रैवल कर सकते हैं, उसका फेयर पूरा रिम्बर्स हो जाता है। और इसमें जो है ये सर्विस तो अक्सर आपको लेनी पड़ेगी, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप एलिजिबल हैं बस ट्रैवलिंग के लिए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है कि बस स्टैंड जो होगा आपके विद्यालय से दूर होगा, तो उसके लिए आपको बाई जो है बाई ऑटो या बाई ऑटो आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं 12 rupees पर किलोमीटर के हिसाब से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय से बस स्टैंड तक जाते हैं, फिर जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर, वहाँ के बस स्टैंड से जहाँ जहाँ जाना है वहाँ का भी आप जो है 12 rupees पर किलोमीटर के हिसाब से क्लेम कर सकते, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्नी परफॉर्म बाई द ऑटो रिक्शा ओन स्कूटर, तो आपको जो है 12 rupees पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो अब हम DA के बारे में समझ लेते हैं, डेली अलाउंस, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 to 8 लेवल में, ये बहुत ध्यान क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, तो ये 6 to 8 में आप जो भी होटल लेते हैं, होटल यानी कि आप यदि नॉर्मल सिटी में हैं, नॉर्मल सिटी यानी सभी सिटीज़ में आ जाती है मेट्रो को छोड़ करके, मेट्रो सिटीज़ हैं उनको छोड़ करके सारी सिटीज़ इसमें आ जाती हैं, तो इसमें जो आप एकोमोडेशन जो है गेस्ट हाउस होटल कुछ भी लेते हैं तो पर डे का आप कितना क्लेम कर सकते हैं, 750। और लोकल ट्रैवलिंग के लिए यानी कि आप जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पर आपका वर्कशॉप चल रहा है, उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए पर डे का आप आने के लिए और जाने के लिए कुल मिलाकर 225 आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 225 रुपये आपको पर डे का ट्रैवलिंग लोकल ट्रैवलिंग के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर फूड बिल्स यानी कि खाने पीने के लिए दिन भर का 800 रुपये मिलेगा। तो ये आप इन तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ये चीज़ें जो हैं ये तीनों चीज़ें विदाउट एनी प्रूफ के आपको मिलेगा, आपको इसका कोई भी बिल या टिकट या समथिंग कुछ भी नहीं दिखाना है, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये जो है
आप यहाँ पर देख सकते हैं एलडीसी यूडीसी जो कि लेवल 5 में आएंगे और उस बिलो में आएंगे, तो वो उनके क्या है, तो उनके लिए जो है नॉर्मल सिटी में 450 और लोकल ट्रेवलिंग 113 मिलेगा और 500 रुपये जो है फूड बिल मिलेगा। अब आते हैं, ये तो हो गए लोकल यानी कि नॉर्मल सिटीज़ की बात। यदि आप मेट्रो सिटी में हैं, मेट्रो सिटी में आप इस तरह की टूर आप इस तरह का कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े से नियम चेंज हो जाते हैं। वहाँ पर आप जो होटल लेते हैं वो आप 1000 तक का क्लेम कर सकते हैं। मैं ये होटल के लिए बता रही हूँ, केवल होटल का बिल इसमें बढ़ जाता है, यानी कि आप इसे 1000 के लगभग क्लेम कर सकते हैं, इस जिसके लिए आपको बिल शो करना पड़ेगा। यदि नॉर्मल सिटी में हैं आप, तो आपको बिल शो नहीं करना है। यदि मेट्रो सिटी में हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो इसमें आपको बिल शो करना पड़ेगा और 1000 तक का आप होटल के लिए क्लेम कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, 225 आपको लोकल ट्रैवलिंग मिलेगी और 800 रुपये, इसमें कोई, इन दोनों चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा, बट इसमें जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको आपका आपको बिल शो करना पड़ेगा। ये भी छोटी सी चीज़ आप समझ लीजिए, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ जो कि आपके डीए पर लागू होती हैं। डीए यानी कि जो फूड बिल बनेगा जो कि 800 है आपका, उसके लिए ये लागू होता है। यानी कि आप कहीं भी जाते हैं और आपका वहाँ पर वर्किंग जो है 6 घंटा है, 6 घंटे के बाद आप विद्यालय वापस आ जाते हैं, तो आपको 30% मिलेगा, यानी कि 800 का 30% मिलेगा। और यदि आप 6 से 12 घंटा स्पेंड करते हैं तो ये आपको जो है 70% मिलेगा, ये थोड़ा सा हल्का हो गया है, 70% मिलेगा। और यदि 12 आवर्स आप विद्यालय से बाहर हैं किसी ऑफिशियल पर्पस से, तो ये आपको पेमेंट पूरा जो है 100% होगा। इस टीएडीए रूल्स को आपको अक्सर रिफ़र करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस में बहुत सारी चीज़ों का उनको पता भी नहीं होता है, या जो वहाँ का सिस्टम बनाया होता है वो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, तो अक्सर जो है आपको इसको रिफ़र करना पड़ेगा। आपको इसको आप इसकी कॉपी लगा करके दे देते हो तो वो डिनाई नहीं कर सकते हैं आपके क्लेम से, तो इसकी ज़रूरत आपको अक्सर पड़ेगी। तो इसका पीडीएफ मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए और डिटेल में स्टडी इसको कर लीजिएगा, और इसी के अकॉर्डिंगली अपने जो है डीए और टीए बिल जो है बनाइएगा। और इसमें जो आगे चीज़ें हैं वो अभी आपकी ज़रूरत की नहीं है, और इसको मैं और करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी कि रिटायरमेंट एज पर जो है जब रिटायर होते हैं तो कैसे टीएडीए बनता है, और इसके अलावा ट्रांसफ़र होता है आपका तो कैसे टीएडीए क्लेम होता है, तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।